गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर लेसन नंबर 5 द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस. लोकेशन ऑफ द पोलर रीजन और द कोल्ड डेजर्ट रीजन. सो ये आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. सेकेंड वन इज अ स्टडी ऑफ ग्रीनलैंड अ पोलर रीजन. थर्ड वन द क्लाइमेट वेजिटेशन एंड लाइफ इन दिस रीजन. सो यू कैन सी द वर्ल्ड मैप. इन द टॉप यू कैन सी आर्टिक ओशन एंड यह इट इज़ अ आर्टिक. And in southern part we have Antarctica. So there are different continents: North America, South America, Africa, Europe, then Asia, Australia. So we are in the Asia part, and this is a polar regions. Like yellow color represents a polar region. Polar region का मतलब ये students की polar region मतलब जहाँ पर सालों भर ठंडी पड़ती है और बर्फ की कम से कम इतनी बड़ी thick लेयर होती है कि वहाँ पर रहना इंसानों का नामुमकिन है. इन जगहों पर इतनी बर्फ़ होती है कि इनकी जो थिकनेस होती है बर्फ़ की जो मोटाई होती है वो होती है कम से कम 3000 मीटर. तो 3000 मीटर अगर किसी बर्फ़ की अगर मोटाई है तो वहाँ पर कितनी ठंडी पड़ती होगी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है. नाउ लेट अस मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. The polar regions are covered with snow and ice for most part of the year. Polar regions पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है. These regions lie beyond the Arctic Circle, stretching up to North Pole in the northern hemisphere, and the Antarctic Circle, stretching up to the South Pole in the southern hemisphere. This region lies in the frigid zone or the tundra region. If viewed directly from above the poles, these regions would appear as shown in the maps. यानी कि पोलर रीजन जो हमारा आर्टिक सर्कल है नॉर्थ में वो सी यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा तो यहाँ पर कनाडा का कुछ पार्ट मतलब अमेरिका तो है ही पर कनाडा का कुछ पार्ट है. फिर ग्रीनलैंड है. फिर रशिया है. चाइना भी होगा शायद इसमें. तो ये जो पूरा एरिया है नॉर्थ में ये हो गया हमारा आर्टिक में पोलर रीजन. और साउथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंट्स का नाम नहीं बताया जाएगा. लेकिन यहाँ ये बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से नीचे, अफ्रीका से नीचे एंड साउथ अमेरिका के नज़दीक जो पड़ता है साउथ में वो है हमारा एंटार्क्टिका. यहाँ पर अगर ये बहुत ही फ्रिजी जोन में आता है यानी कि ठंडी जगहों में आता है. सबसे ठंडी से ठंडी जगहों पर ये आता है. और यहाँ पर जो रीजन जैसे हम जो नाम बोला सकते हैं इसको वो है टुंड्रा रीजन हम इसे कह सकते हैं. फिर आता है स्टूडेंट्स ये देखो जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये कैसे ऊपर का जो लेयर है ये हमारा आर्टिक कहलाएगा और नीचे एंटार्क्टिका. तो ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल. यानी कि ये ऊपर का हिस्सा है ये नीचे का हिस्सा है. ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा जो हमने वहाँ देखा कनाडा का और यहाँ पर हमारा रशिया और यूरोप में भी कुछ हिस्सा यहाँ पर आता हुआ. साथ में यहाँ पे ग्रीनलैंड है. तो ये जो जगह है इसे हम कहते हैं टुंड्रा रीजन. टुंड्रा रीजन इसे और इसे कहने का रीजन ये है कि यहाँ पर बहुत ही ठंडी होती है. बहुत मतलब बहुत ये मतलब एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पर होता है इसलिए उसे टुंड्रा रीजन कहा जाता है. फिर आता है स्टूडेंट्स नॉर्थ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका या जैसे कि अलास्का यूएसए और कनाडा का जो नॉर्दर्न पार्ट ये सब जो अलास्का है ये ठंडी जगहों में से एक है. एशिया और यूरोप में भी ये आर्टिक सर्कल फॉल मतलब आता है और जैसे कि रशिया है और हमारा कुछ यूरोप का पार्ट है और अमेरिका का. मैंने वो बताया स्टूडेंट्स ये 3-4 कंट्रीज या हो सकती है और भी कंट्रीज हो बिकॉज यहाँ पे वो डिस्क्राइब नहीं किया प्रॉपरली. खाली रशिया हम देख सकते हैं. नॉर्थ अमेरिका में हमारा कैनेडा है. उसके अलावा अलास्का हम बोल सकते हैं उसमें. फिर ग्रीनलैंड है यहाँ पर और यहाँ पर यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं छोटे मोटे कंट्रीज हैं. वी कैन से आयरलैंड मेरे हिसाब से आयरलैंड है. तो ये सब कंट्रियाँ बहुत ही ठंडी जगहों में आती है. और साउथ पोल में कोई भी कॉन्टिनेंट टच नहीं है. हाँ लेकिन उसके नज़दीक में नज़दीक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है हमारा साउथ अफ्रीका. ओके तो ये दो कंट्रियाज हैं जो सबसे नज़दीक है एंटार्क्टिका के. देन वी हैव द नॉर्थ पार्ट ऑफ ओके वी कवर दिस. द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका लाइज बियॉन्ड द एंटार्क्टिक सर्कल in the southern hemisphere. This virtually
अनइनहैबिटेड कॉन्टिनेंट इज द सिंगल ग्रेटेस्ट स्ट्रेच ऑफ आइस कैप वेयर लेयर्स ऑफ परमानेंट आइस आर एज थिक एज 3000 मीटर्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट एज इट इज कवर्ड बाई परमानेंट आइस शीट्स. यानी कि ये जगह बहुत ही ठंडी है, एंटार्क्टिका है. ये साउथ हेमिस्फीयर में है, यानी कि हमारे अर्थ के नीचे निचले हिस्से में है और वर्चुअली अनइनहैबिटेड है. यानी कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है. हाँ, लेकिन इंसान अब धीरे धीरे वहाँ पर जाना शुरू कर चुका है, क्योंकि वहाँ पर जाने से हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा क्लाइमेट कितना तेज़ी से बदल रहा है. और वहाँ पर बहुत सी टाइप्स की अलग अलग रिसर्चेज भी हो रही हैं. तो ये अनइनहैबिटेड है, लेकिन हाँ, लोग अब धीरे धीरे, साइंटिस्ट जो हमारे हैं वहाँ पर धीरे धीरे मूव करना शुरू कर चुके हैं. और फिर भी वहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल है स्टूडेंट्स, क्योंकि 3000 मीटर की मोटाई वाला आइस आइस प्लेट हम कह सकते हैं उसे. तो इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ़ है वो परमानेंट है, वो कभी ख़त्म होने के चांस फिलहाल नहीं है. अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर उसे डैमेज हो रहा है तो वो एक हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी इश्यू होनी चाहिए. देन वी हैव लोकेशन. टू लर्न मोर अबाउट पोलर रीजन्स अ केस स्टडी ऑफ ग्रीनलैंड इन यूरोप इज मेड हियर. लोकेशन, ग्रीनलैंड इज अ प्रोविंस ऑफ डेनमार्क. ओके, डेनमार्क भी स्टूडेंट्स यूरोप का एक कंट्री है जो कि बहुत ही कोल्ड और बहुत ही मतलब वहाँ का जो रीजन अपना क्लाइमेट है वो बहुत ही कोल्ड है. सो वी हैव इट इज इट्स कैपिटल. नूक जो है वहाँ पे जगह है वो वहाँ का कैपिटल है. ग्रीनलैंड वॉज डिस्कवर्ड बाय अ वाइकिंग एक्सप्लोरर नेम्ड एरिक द रेड इन 1980 AD. ही नेम्ड द आइस कैप ग्रीनलैंड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल टू गो एंड सेटल देयर. ये एक आदमी था एरिक द रेड. ये एक एक्सप्लोरर था, यानी कि ये नए नए जगहों पर जाकर उसे एक्सप्लोर करने के लिए मशहूर था. इसने डेनमार्क को डिस्कवर किया और डेनमार्क के ग्रीनलैंड के ये जो जगह हम पढ़े ग्रीनलैंड के बारे में, यहाँ पर जाके उसने इसे एक्सप्लोर किया और इसको नाम दिया. तो उसने इसका नाम ग्रीनलैंड इसलिए दिया ताकि लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो, यानी कि उसके तरफ आकर्षित हो और आकर वहाँ पर सेटल हो. एक्सेप्ट फॉर इट्स साउथ वेस्टर्न पार्ट मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड बाई आइस विथ एन एवरेज थिकनेस ऑफ 1500 मीटर्स. यानी कि एक छोटा सा हिस्सा छोड़ के बाकी जो पूरा ग्रीनलैंड है वो 1500 मीटर के थिकनेस वाली आइस से ढका हुआ है. यानी कि ये भी बहुत ही बर्फीला जगह है. द साउथ वेस्टर्न पार्ट इज आइस फ्री अलॉन्ग द कोस्ट. साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है इसका ग्रीनलैंड का वो आइस फ्री यानी कि बर्फ से रहित है, यानी कि बिना बर्फ की जगह है. और कोस्ट यानी कि उससे कोई समुद्र लगती हुई एक कोस्ट है, यानी कि वहाँ इंसान रह सकता है. दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड्स ग्रीनलैंडर्स लिव. यानी कि यही जगह है जो मैंने आपको बताया, आइस फ्री है और कोस्ट है, वहाँ पर मैक्सिमम लोग रहते हैं. ड्यूरिंग स्प्रिंग्स एज द आइस बिगन टू मेल्ट बिग रॉक्स बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस कॉल्ड आइसबर्ग्स ब्रेक अवे कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू ग्रेट डेंजर टू शिप्स. जब भी स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग एक हमारा सीजन है स्टूडेंट्स, जब भी वो आता है तो बर्फ पिघलने लगती है और बड़ा बड़ा जो बर्फ का टुकड़ा है जैसे हम आइसबर्ग कहते हैं वो पानी में बहना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से बड़े बड़े जो जहाज है इवन उनको भी बहुत ही बड़ा खतरा होता है, डूबने का खतरा होता है. बिकॉज अगर उससे टकरा गए, जैसे कि हम जानते हैं एक स्टोरी जानते हैं हम टाइटैनिक की, जो कि बर्फ एक टुकड़े से टकराने की वजह से डूब गया था, तो वैसे ही अगर कोई भी शिप से अगर ये ऐसा बर्फ टकराएगा या बर्फ से अगर कोई शिप टकराएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो डूब जाएगा. तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं पर रुकेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ ग्रीनलैंड, लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज. टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू.